We will come. See you. Hello. Every day. How are you? Oh, every day. एक्चुअली क्या है ना, अगर इनको पता होते हैं पॉइंट्स पता होते हैं। हाँ ये देखो मेरी बाहों के पॉइंट इसके हाथ में है। मेरे ख्याल से हम पहले बंदे होंगे जो इतनी दूर से मसाज कराने के लिए आए हैं। इतनी दूर कोई भी नहीं जाता होगा इतनी दूर मसाज कराने। तान जी किदा सारे, वेलकम बैक। तो जी लास्ट व्लॉग में जैसे आपने देखा कि गाड़ी ख़राब हो गई थी, हम गैरेज पे ले आए थे, तो गैरेज वाले मिस्त्री को हमने गाड़ी दिखाई, तो उन्होंने गाड़ी चेक करी सारी, तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ब्रेक ठीक है आपकी। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे प्रॉब्लम आ गई थी, तो उन्होंने चेक करिए, करा ये नॉर्मल है, जब आप हिल स्टेशन पर गाड़ी चलाते तो ब्रेक नॉर्मल ही है कि यूज़ ज़्यादा हो जाती है कई बार, और मौसम भी गर्म था, तो कह रहा इस वजह से गर्म हो गई है, बाकी नॉर्मल है, कोई चक्कर नहीं है। तो उन्होंने कोई पैसे लिए नहीं है, चार्ज नहीं किया, तो कह रहा नहीं तो मैं ठीक कर देता, ब्रेक शू चेंज कर देता, कह रहा नॉर्मल है आप ले जा सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने उनको 200 बार दे दी है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने खाली सिर्फ चेक करा है और गाड़ी रेडी है, तो गाड़ी ले कर निकलते हैं यहाँ से। तो जी गाड़ी अपनी ठीक है, तो ट्रिप करते हैं कंटिन्यू। तो जी वहां से निकल के हम पहुंच गए चिंगरई, और चिंगरई में हम पहुंचे हैं बस स्टेशन। ओहो एक्चुअली होटल ढूंढ रहे थे, होटल जाना था, तो होटल से पहले हमें बहुत ही प्यारी यार आर्ट दिखी, तो हमने कहा रुक जाते, और ये बस स्टेशन निकला यहाँ का चिंगरई का। देखो यार क्या खूबसूरत आर्ट बनाई है यार, मज़ेदार वाली। मैं कहा यार यहाँ पे तो रुकना बनता है, पूरी वॉल्स के ऊपर आर्ट बनाई हुई है, बहुत प्यारी पेंटिंग है यार, सारे टेंपल्स वगैरह पूरे बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं, जो थाई कल्चर है यहाँ का। और एक्चुअली क्या है यहाँ पे, यहीं पे ना पास में ये जो ये बना हुआ है ना, ये गोल्डन ट्रायंगल, ये भी यहीं पास में, यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव हो रहा है अगर आगे जाना चाहो चिंगरई से, तो ये गोल्डन ट्रायंगल है, यहीं पे बॉर्डर पड़ता है म्यांमार लाओस और थाईलैंड का, ये गोल्डन ट्रायंगल इसका नाम है। आगे कोई जाना चाहे तो 4 घंटे और लगेंगे, लेकिन अभी देखते हैं अगर प्रोग्राम बना तो वहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम वहाँ का था नहीं, तो इसलिए अभी चिंगरई आए हैं, तो यहाँ पर रुकते हैं आज। अब होटल चेक इन भी करना है, तो वहाँ चलते हैं, पहले होटल में चेक इन भी करेंगे और खाने का भी करना है, डिनर करना है, तो डिनर का भी देखते हैं। ओ भाई ये तो कुछ बहुत ही बड़ा है भाई, बहुत ही ह्यूज बस स्टेशन बना हुआ, और यार ये देखो यार पुरानी गाड़ी रखी हुई यहाँ पे बस स्टेशन में सींग और चश्मा लगा के, क्या बात है क्या बात है भाई, पूरी सजा रखी है, पूरी डेकोरेट कर रखी है भाई साहब, पूरी सजाई हुई है पीछे फूलों से, और पूछ भी लगाई हुई है, कोई ओल्ड गाड़ी है लेकिन पुरानी गाड़ी है लेकिन अच्छी लग रही है। और हर जगह यहाँ पे वॉल्स के ऊपर ना आर्ट बनाई हुई है, जो यहाँ का कल्चर है, और जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो यहाँ का ट्रेडिशन वगैरह वो सारी आर्ट है यहाँ पे। और एक चीज़ और भी है यहाँ पे, जो आपने कभी सुना होगा या फ़ोटो वगैरह में देखा होगा, जैसे लेडीज़ वगैरह की नेक होती है ना, जैसे पूरी लंबी नेक होती है उन्होंने, बड़ी बड़ी गर्दन वाली, वो भी यहीं पे ही है विलेज, लेकिन अभी वहाँ जाना था लेकिन वहाँ नहीं जा सकते आई थिंक, क्योंकि मैंने अभी वहाँ पर पता किया तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो वो विलेज है वहाँ पर किसी को कोरोना हो गया, एक बंदे को, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा गाँव उन्होंने मतलब कि रेड जोन में कर दिया, बंद कर दिया, मतलब वहाँ पे एंट्री नहीं है इस टाइम, नहीं तो आपको मैं वहाँ पे भी लेके चलता, वो भी यहाँ पास में ही है। और ये गोल्डन ट्रायंगल तो है ही है यहाँ पे, यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव है गोल्डन ट्रायंगल के लिए, अगर कोई जाना चाहता है तो 4 घंटे की ड्राइव है, वहाँ जा सकते हैं। तो जी आ गया मसाज कराने के लिए, पारस को मसाज करवानी थी, तो पारस ले आया मसाज शॉप पे। हाँ मैंने कहा भाई इतनी थकावट हुई पड़ी है निकालनी भी पड़ेगी, तो भाई स्पेशल आया, देखो कहाँ से मसाज कराने के लिए, बताया से यहाँ आया मसाज कराने के लिए चिंगरई में, देख लो भाई इतनी आजो फिर देखे चलते, इतनी थकावट। ओहो टेम्परेचर चेक, ओके ओके, नीड टू चेंज, इट्स ओके ओके। व्हाट योर नेम? मई। मई यस। तो आज मैं मसाज करेगी, फुट मसाज। हेलो ये ओह या सॉरी या या ओह ओह स्लीपिंग आह ओह आह ओह आह वेयर यू फ्रॉम? इंडिया। वाओ फ्रॉम इंडिया। एंड यू? थाईलैंड।
From where you born in Chingrai? Yes, Shimla. Oh, Shimla. Good. ओहो हो क्या बात है आ गए हैं मिस्टर पारस ये क्या पैंट उतार के आ गए बस भाई ये क्या पैंट है भाई वही उससे पूछा है मैंने कि अब पहले पहले कोविड से पहले तो ज़्यादा लोग आते थे तो कह रही हाँ पहले तो ज़्यादा था बिजनेस लेकिन अब कोविड के बाद से अभी जैसे आज हम दोनों ही आए हैं पहले इससे पहले एक ही मतलब कभी दो कभी एक कभी तीन मतलब ऐसी दो तीन कस्टमर ही हैं कोई ज़्यादा कस्टमर नहीं है अभी कोविड की वजह से तो अभी मिस्टर पारस आए हैं तो दलिया दिल्ली यार इनके पास कस्टमर आए और भी तो इन मतलब कि आज हम पहले कस्टमर हैं इनके तो पूरे दिन में ये मतलब कि हम पहले हैं नेपाल हिमाचल चंगवाद पंजाब तो भाई वो यही पूछ रही थी कि आप इंडिया गए हुए कितना टाइम हो गया मैं कहा इंडिया तो तभी जाएंगे ना जब फ्लाइट खुलेगी फ्लाइट ही बंद है एयरपोर्ट बंद है तो कैसे जाएंगे तुम्हारे यहाँ पहाड़ों में कूलिंग है क्या विंटर विंटर भाई यहाँ पर चेंगराई में भाई ज्यादा ठंड होती है इंडिया को मई इंडिया को मई नाउ माय सिटी इंडिया छो बा पसंद है मेनू इंडिया दा हां यू लाइक इट सुनो जेकेएन टॉन टीवी कौन टाइम हैव यू बीन इंडिया बिफोर हाउ मेनी टाइम हां नो नहीं गई हुई यू गो इंडिया और नॉट नो यू वांट टू गो मई पर कुनिया में हैव बिग बिग माउंटेन देयर वो कह रही नहीं जाना वो कह रही नहीं जाना वहां पर बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए पहाड़ गलत मत समझो पहाड़ बिग बिग माउंटेन या ए बहुत दिन के बाद करवा रहे हैं मतलब कि 6-7 मंथ के बाद करवाई है मैंने शायद बीच में बट जब ओपन थी मेरे ख्याल से हम पहले बंदे होंगे जो इतनी दूर से मसाज कराने के लिए आए इतनी दूर कोई भी नहीं जाता होगा इतनी दूर मसाज कराने हम पहले बंदे होंगे इतनी दूर से मसाज कराने के लिए आए हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं चकची किसको कहते हैं कुत्ते को तारिया को लड़के को मालूम है इट्स लाइक चकची कुत्ते को तारिया इन इंडिया कुत्ते को तारिया कुत्ते को तारिया कुत्ते को तारिया से अगेन कुत्ते को तारिया कुत्ते को तारिया या ये तारिया सारी थकावट उतर ही जाएगी आज तो भाई मजा आ गया आज नींद बड़ी तगड़ी आएगी भाई पता नहीं होश ही नहीं होगा कहाँ सोएंगे भाई पूरे दिन क्योंकि ड्राइव चलाते गाड़ी चलाते रहते हो पूरे दिन और अब मसाज करा लिए तो अब भाई शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा जाके खाना खा के आराम से सो जाएंगे भाई मजे में हो फुल फुल क्या बात है लड़की बड़ी स्ट्रांग है एक्चुअली ये ना अगर इनको पता होते हैं पॉइंट्स पता होते हैं हाँ ये देखो ये पॉइंट पे वहीं पे करती मेरी बाहों के पॉइंट इसके हाथ में है थकावट उसी टाइम गायब हो जाती है हाँ गल नहीं दे देने और फिर डन मसाज बढ़िया क्या हो जाता है एक्सपीरियंस बहुत कैंट एक्सपीरियंस रहा हमारा तो अभी इनको पैसे पे कर दिए हमने तो मजा आया इनके साथ और इनको थोड़ी सी टिप विप दे देते हैं यार अच्छी है लड़के यार नहीं कोई बात नहीं दे देते टिप दे दो कोई चक्कर नहीं है और अच्छी मसाज करी सारी थकावट उतर गई सारे के सारे पॉइंट एकदम खुल गए भाई मुझे लगता है आज नींद
बेड बेड ही दिखेगा जाते रूम में, और कुछ नहीं दिखेगा, सीधा बेड और जाके सो जाएंगे भाई। थकावट होगी बहुत ज्यादा, लेकिन अब भूख भी लग रही है, तो कुछ ना कुछ बाहर चल के देखते हैं, देखते और कुछ खाने के लिए भूख लगी है, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया, पता नहीं कुछ मिलेगा भी कि नहीं। की टाइम हो गया, 9 बज गए, देखते हैं अगर कुछ मिल जाए खाने के लिए, तो फिर लेके चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कुछ और माहौल, या तो होटल रूम में मिलते सीधा आपको, कुछ लेते हैं पहले ऐसे खाने का, और फिर मिलते हैं आपको होटल में। होटल में तो जी रूम पे जा रहे थे, मैंने कहा पहले कुछ खाने के लिए ले लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो गया था, मार्केट भी बंद हो जाएगी, तो यहाँ मार्केट खुली हुई है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अभी रात के कितना टाइम हो गया, 9:30 हो गए अभी भाई, 10 बजने को है, तो अभी भी मार्केट खुली है यहाँ भाई, अभी 10:30 के आसपास हो गया टाइम, और मार्केट अभी भी खुली हुई है यार। मेरे को लग नहीं रहा था कि खुली होगी, लेकिन खुली है, तो मैंने ऑर्डर दे दिया, पारस कहता था चलो यहीं से खा के चलते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात, बैठ के खा सकते हैं यहाँ पर, बैठ के खाओ। कितने दिन बाद है ना, कितने दिन बाद हो रहा है ऐसा, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा भाई। मतलब सारी चीज ऐसी नॉर्मल सी लग रही है, जैसे कभी बैंकॉक बंद था ही नहीं, और ये थाईलैंड पूरा खुला हुआ है। यहाँ पर मौसम भी इतना सही है ना, मतलब मौसम ठंडा ठंडा मौसम है यहाँ पर, गर्मी नहीं है यहाँ पर, मेरे को फील आ रही ठंडक वाली यार, मजा आ गया। और भाई इन फ्यूचर कभी भी आओगे ना, चेंग माई चेंगराई जरूर आना, बट ये थोड़ा सा जैसे यहाँ के लोग सेम नहीं है, थाई फेस सेम नहीं है इनके, इनके इनके, इनके फेस थोड़े से बड़े हैं नॉर्मल, जैसे जो है थाई आप इनके, इनके जब भी नोटिस करोगे ना, थोड़े से बड़े हैं इनके फेस। ये क्या चीजें हैं यार, ऊपर दिखाओ, ये पता नहीं स्पाइडर की तरह उड़ी जा रही है, पूरी आसमान में बड़ी सारी है, और वो कई बंदे उड़ाने भी लगे हुए थे पीछे, वो गन सी ले गए ना, चिड़ियां है ये छोटी छोटी, पता नहीं क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे हैं। तो जी ऑर्डर दे दिया सर, चिकन का एक तो आ गई, पारस वाली प्लेट तो आ गई है, ये बॉयल चिकन है, साथ में राइस है, बॉयल चिकन खाएंगे भाई, डाइटिंग फुल डाइटिंग है, मसाज करा के फुल डाइटिंग हो रही है। ये भी बहुत कैंट चीज है भाई, ये भाई ग्रीन अनियन है, ये सबसे पावरफुल अनियन है, ये खाया करो और आपका सामान सही रहेगा। कितने पावरफुल है, सामान सही रहता है। अच्छा पहले ये तो बता दे, वो तो काम की चीज तो बता ही नहीं, कौन सी मसाज कैसी रही, ओए होए होए भाई साहब मजा ही आ गया। तो वो कह रही थी कि रोज आना, रोज कैसे आएंगे यार, रोज मूड खराब हो जाएगा। लो भाई सूप भी आ गया, तो ये सूप भी आ गया साथ में, एक्चुअली इसके साथ सूप भी मिलता है। आ जाओ भाई, भूख लग गई है, खाओ खाओ जल्दी। तो खा के यहाँ से निकलते हैं रूम पे, क्योंकि अभी हमारे को थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जाके सोएंगे, तो यहाँ से खा के ही निकलते। पहले मूड था कि लेके रूम पे चलते हैं वहीं खा लेंगे, लेकिन अभी परस कह रहा कि यहीं खा लेते हैं, कौन रूम पे जाके फिर सफाइयाँ करेगा, तो यहाँ से लेके फिर चीज़ चलते हैं रूम पे। ठीक है भाई चले फिर। तो ये अपना खाना हो गया डन, कैसा था चिकन, बहुत बढ़िया मज़ेदार। तो चले फिर, चलो तो चलते हैं रूम पे यार, थकावट बहुत हो रही है, अब तो रुका ही नहीं जा रहा यार भाई, अब सोना है जागे। और कल के लिए हमने प्रिपेयर होना है भाई, कल भी हमने कोई लोकेशन पे जाना है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है वो वाली, वो भी दिखाएंगे आपको, वो भी अभी पता किया किसी से, क्योंकि हम आए थे लेट, हम हो गए थे लेट, एक्चुअली 5 बजे बंद हो जाती है वो जगह, तो अब किसी से पूछा तो वो कह रहे हैं कि सवेरे खुल जाएगी और आप जा सकते हो, तो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, और कल निकलना भी है, तो उसके लिए सोना भी जरूरी है टाइम से। तो एक काम करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।